नीतीश के अलावा 8 और मंत्री पद की जो शपथ लेंगे वो नाम भी सामने आ रहे हैं क्या? सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है डिटेल्स के साथ। निधि, एबीपी न्यूज के पास शपथ लेने वालों की लिस्ट पढ़ दीजिए जरा जल्दी से नाम। बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज पर इस वक्त 8 जो आज शपथ लेंगे विधायक उनकी लिस्ट हमारे पास है। सम्राट चौधरी इसमें है जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। विजय कुमार सिन्हा जो हमने कहा कि विधायक हैं लखीसराय से, वो शपथ लेंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रेम कुमार शपथ लेंगे। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी है, विजेंद्र यादव है जो कि आज सुबह नीतीश कुमार के साथ गाड़ी में दिखे भी है, श्रवण कुमार ये भी शपथ लेंगे, संतोष कुमार सुमन एकमात्र जो एमएलसी है हम पार्टी से ये शपथ लेंगे, पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे ये शपथ लेंगे। इसके अलावा सुमित कुमार सिंह एकमात्र निर्दलीय विधायक जिनका समर्थन है, पिछली सरकार में भी नीतीश कुमार को समर्थन दिया था उन्होंने और ये भी शपथ लेंगे, पिछली सरकार में ये मंत्री भी थे रोमाना, और ये 8 है जो आज शपथ लेंगे। ये एक्सक्लूसिव हमने लिस्ट दी है दर्शकों को कि ये 8 है जो आज शपथ लेंगे। सबसे पहले नीतीश कुमार जाहिर है सीएम के तौर पर, उसके बाद सम्राट चौधरी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, पार्टी का नाम भी साथ साथ, उसके बाद विजय कुमार चौधरी। बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ये दोनों बीजेपी से हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार भी बीजेपी से हैं, विजय कुमार चौधरी जो कि जेडीयू से हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव ये जेडीयू से हैं, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन निर्दलीय हैं, और सुमित संतोष कुमार सुमन जो कि हम पार्टी से है, माफ कीजिएगा, और सुमित कुमार सिंह ये निर्दलीय है। ये 8 शपथ लेंगे, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट जो हमने एबीपी के दर्शकों को दी है, ये 8 जो आज शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ। तो सब कुछ तैयार है, अब सिर्फ शपथ ग्रहण का इंतजार, और नीतीश कुमार के कैबिनेट में ये 8 मंत्री जो कि सबसे पहले शामिल होंगे, उसके बाद विस्तार होगा, लेकिन आज ये 8 है चेहरे हैं जो आज शपथ लेंगे। जी रोमाना, ये बड़ी जानकारी हमारी सहयोगी निधि बता रही हैं, और साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है जब नई सरकार बनाने का दावा नीतीश कुमार की तरफ से पेश किया गया एनडीए की तरफ से, और इसमें आप देख रहे हैं एनडीए के नेता नजर आ रहे हैं, जेडीयू के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये तस्वीर साफ हो गई है, नीतीश कुमार और इसके अलावा 8 और मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, और जो ब्रेकअप यहां पर हमारी सहयोगी निधि ने बताया है उसमें 3 बीजेपी के कोटे से सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, 3 जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, श्रवण कुमार हैं, 1 हम जीतन राम मांझी की पार्टी उन्हीं के बेटे संतोष सुमन, और 1 निर्दलीय इंडिपेंडेंट सुमित कुमार सिंह हैं। प्रकाश कुमार ये जो नाम सामने आए हैं जरा इनका रेलेवेंस और इनका गणित बता दीजिए, ये नई सरकार में आज जो शपथ लेने जा रहे हैं। देखिये, मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री होंगे, यानी कि जो पहला नंबर है वो सम्राट चौधरी का है, डिप्टी सीएम यानी सेकंड नंबर पे होंगे, मुख्यमंत्री के बाद जिन का था तो वैसे ही सम्राट उस नंबर वो डिप्टी सीएम के बतौर वो शपथ लेंगे। तीसरा नंबर जो है वो विजय सिन्हा का है, उपनेता चुने गए हैं, और जो चौथे नंबर पर होंगे मंत्रियों की सूची में तीसरे नंबर पर प्रेम कुमार, ये बहुत पुराने हैं और आपको कर सकते हैं, और ये पिछले बार जब उसमें भी ये मंत्री रह चुके हैं तो इन्हें भी समाहित किया गया, यानी पिछड़ी जाति, अग्रणी जाति और अति पिछड़ी जाति से तीनों का समीकरण बीजेपी ने बिठाया है। अब नजर स्पीकर पर है कि स्पीकर पद किसको दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। अब रही दूसरी बात जेडीयू की तरफ से, तो अग्रणी जाति से विजय चौधरी, जिसका नाम हमने बताया था, जिनका नाम विजय चौधरी अभी वित्त मंत्री है और वो मंत्री बनेंगे। दूसरा नाम जो है विजेंद्र यादव का आया है, यानी पिछड़ी जाति से, यादव जाति से विजेंद्र यादव आते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, और आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त उनके बगल में उनके साथ थे। और तीसरा नाम श्रवण कुमार का है, ये कुर्मी जाति से ही आते हैं, नालंदा के हैं, लेकिन इनके पास जो है वो मुख्य सचेतक है जेडीयू के, उस नाते भी और मंत्री भी है, तो मुख्य सचेतक है, नीतीश कुमार के करीबी है, उनके पार्टी से सामंजस्य बिठाने का काम वो लगातार करते हैं। तो विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार, ये भी एक तरह से समीकरण बिठाया गया है अगली जाति से, पिछड़ी जाति से
दो को लिया गया। हालांकि कुर्मी खुद नीतीश कुमार है, लेकिन श्रवण कुमार की प्रासंगिकता जो है वो इस कदर है कि जेडीयू पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। जो हम पार्टी से संतोष कुमार सुवर्ण कराम, जिसके बारे में मैं आपको मैंने पहले भी बताया था कि वो पहले भी मंत्री थे और इस बार भी मंत्री है, वो गया से लोकसभा सीट लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में वो मंत्री पद जरूर चाहेंगे और मंत्री बन भी रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।